अगर बच्चे को आप जबरदस्ती ढूंढिए नहीं किया है उसको सोच रहा है उसमें से ढूंढ के निकाली ये काम अच्छा है जो कर सकता है या कर रहा है उसको आप रिपोर्ट उसको आप एप्रिशिएट करिए इंस्टेड ऑफ सेइंग तूने ये गलत किया है ये गलत किया है ये गलत किया है आप उसके द्वारा किए हुए जो विधेय आपने किया जो पॉजिटिव काम है उसको एप्रिशिएट करना शुरू करिए धीरे 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 तब वो लगेगा उस बच्चे को कि उसकी अहमियत आपके मन में कुछ है तब जो आप सजेस्ट करिएगा वो सुझाव वो बच्चा धीरे 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 आपका फॉलो करना बच्चा जैसा सर ने कहा बच्चा कभी भी बोर नहीं होता है ये फैक्ट है छोटा बच्चा कभी ही बोर नहीं होता है बोर एडल्ट होते हैं प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन जब हमारा कम होता है तो बच्चा हमको लगता है कि बोर होता है बच्चा अपनी एक्टिविटीज करता रहता है बच्चे को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्ले के साथ बच्चा गेम के साथ सीखता है तो बच्चे के साथ इंटरेक्ट अगर हम करते हैं बच्चे के साथ खेलते हैं और खेल खेल में उसको तमाम चीज़ें सिखाते हैं तो बच्चा सीखता भी है और बोर भी नहीं होता है बच्चों के साथ में काफ़ी इमोशनल बॉन्ड्स भी होते हैं जो बच्चे ज़्यादा समय तक वीडियो गेम्स फेसबुक यूट्यूब का समय बिताते हैं देखा गया है कि उनमें इमोशनल प्रॉब्लम उनमें अटेंशन की प्रॉब्लम कम होती है हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो ये सब प्रॉब्लम काफ़ी आसक्त बोरिंग है और साथ साथ में ऐसे बच्चों के स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं ज़्यादा समय बिताते हैं कम खेलते हैं तो देखा गया है कि उनको नींद आने में तकलीफ होती है रात में नींद में वो उठ जाते हैं हाँ पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं कि क्या है नहीं है।